आज हम AI के थ्रू अपनी इमेजेस को कन्वर्ट करेंगे 3D एनिमेशन में, रील्स में, वो भी बिल्कुल फ्री। मिडजर्नी से या किसी भी AI के थ्रू आप जो भी इमेजेस कन्वर्ट करते हैं वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही होती है। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम उन इमेजेस को 3D एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रील्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो जहाँ भी आप शेयर करें ताकि वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो आइए चलते हैं वेबसाइट की तरफ और कन्वर्ट करते हैं इमेज को 3D एनिमेशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, caber.ai। ठीक है, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट का इंटरफेस है और यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, मेक योर इमेजिनेशन रील, ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज़ इंटू विजुअल स्टोरी। ये देख रहे हैं एक छोटी सी जस्ट इमेज है ये, और किस तरह ये एनिमेशन में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरह हम अपनी जो इमेजेज है उसको कन्वर्ट करेंगे। ये देखें जैसे ही आप इमेज अपलोड करेंगे तो आप उनको बताएंगे कि आप किस तरह की इमेज की एनिमेशन चाह रहे हैं, तो जिस तरह की एनिमेशन आप चाहेंगे वो उस तरह कन्वर्ट हो जाएगी। कितने ज़बरदस्त इसमें एनिमेशन बन रही है। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर साइनअप। तो जैसे ही साइनअप करेंगे तो यहाँ से आप साइनअप अपनी ईमेल और पासवर्ड देके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप अपने जीमेल से भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइनअप किया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ से करूँगा साइन इन, अपनी ईमेल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया तो ये देखें मैंने दो एनिमेशन पर काम किया हुआ था। एक ये देखें कि एक वाटरफॉल की इमेज थी मेरे पास, उसको मैंने एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें जैसे कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें आप एनिमेशन को जो है स्पीड भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए इसी तरह हम अपनी एनिमेशन भी यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो पहला स्टेप है आपको यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो वो इमेज आप मिडजर्नी से भी जनरेट कर सकते हैं या कहीं से भी आप जनरेट कर सकते हैं। अगर मिडजर्नी से आपको जनरेट करनी है तो मैंने काफ़ी सारी इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक इमेज अपलोड करते हैं जो मैंने मिडजर्नी से ही जनरेट की हुई है। यहाँ पे आ जाते हैं इमेज पे, ये इमेज है, ये मैंने एक अवतार बनाया हुआ था मिडजर्नी से। इसको करते हैं हम नेक्स्ट। तो ये देखें जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपको पूछेगा तो इस वीडियो में आप क्या चाहते हैं, तो इस मतलब जो आपने इमेज अपलोड की है इसमें आप किस तरह की एनिमेशन चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ ऑप्शन यहाँ पे पहले ही मौजूद हैं, अ पोर्ट्रेट ऑफ मेन कैरेक्टर या किस तरह का आप चाह रहे हैं, या अगर इनमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या चाह रहे हैं आप। तो मैं चाह रहा हूँ कन्वर्ट इंटर मॉडर्न एरा। ठीक है, सिंपली ये मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद आपसे ये स्टाइल पूछेगा कि कौन सा करना है, तो स्टाइल भी यहाँ पर पहले से ही डिस्क्राइब किए हुए हैं, या तो आप फिर यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे करंटली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सिनेमेटिक। जैसे ही सिनेमेटिक मैंने सिलेक्ट किया तो इसने खुद ही पूरा स्टाइल यहाँ से सिनेमेटिक का लिख दिया। उसके बाद करना है कंटिन्यू, और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा जो जो एनिमेशन आप बना रहे हैं या जो वीडियो आपकी बन रही है उसको कितने सेकंड्स का बनाना है। तो याद है कि आप अप टू 4 मिनट तक बना सकते हैं, मगर करेंटली हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो 10 सेकंड की यहाँ पे लिमिट है। क्रेडिट आपका कितना जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है कि कॉस्ट कितनी होगी, सेकंड के हिसाब से आपको कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पे आप जितने भी सेकंड की एनिमेशन बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट लगता है। तो जब भी आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आपको 30 क्रेडिट फ्री में मिलते हैं। यहाँ पे माय प्लेयर में आके मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्री अकाउंट पे आपको 30 क्रेडिट मिलते हैं, मतलब 30 सेकंड की आप वीडियो बना सकते हैं, चाहे वो एक 5 सेकंड की 6 वीडियोज़ हो या 10 सेकंड की 3 वीडियोज़ हो या 3 सेकंड की 10 वीडियोज़ हो। तो इस तरह 1 सेकंड का 1 क्रेडिट आपको लगता है। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड की हम छोटी सी यहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछता है कि इनिशियल इमेज में आपको क्या फर्स्ट फ्रेम आपको दिखाना है, हम बोलते हैं जी इसको दिखा दें। और यहाँ पे करना है जनरेट। अब AI आपका यहाँ पे काम कर रही है, आपकी इमेज को कन्वर्ट कर रही है जो आपने प्रॉम्प्ट उसको दिया है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और जनरेट करके आपके सामने ये शो कर देगा। तो यहाँ पे देखें इसने मेरी इमेज को एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसको प्ले करके देखें ये कैसी लग रही है। ये देखें इसने बहुत अच्छे तरीके से एक एनिमेशन बना दी है। इसने क्या किया है कि मॉडर्न एरा में इसको कन्वर्ट कर दिया है। पहले वो कैसे दिखती थी अब उसके बाद कैसे दिखती है, उसने पूरा एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर यहाँ पे आप सेकंड बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चले एक वाटरफॉल की इमेज लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास 10 क्रेडिट अभी बचे हुए, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल की इमेज हम मिडजर्नी से जनरेट करते हैं, बिग वाटरफॉल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बिग वाटरफॉल इन फॉरेस्ट। ये क्या करेगा, मेरे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा इमेज में। तो ये देखें यहाँ पे वाटरफॉल की इमेज रेडी हो गई है। इसको हम अपलोड करते हैं एनिमेशन की वेबसाइट पे। इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इमेज को करते थे अपलोड। ये वाटरफॉल की इमेज है, यहाँ पे होगी अपलोड। वो करते हैं कंटिन्यू।
और यहाँ पे हम लिखते हैं रनिंग वाटरफॉल कर देते हैं, ठीक है, रनिंग वाटरफॉल कंटिन्यू, तो 3D रेंडर कर देते हैं, थोड़ा स्टाइल चेंज करके देखते हैं और करते हैं कंटिन्यू टू सेटिंग। यहाँ पे इसको कर देते हैं, मेरे पास भी 10 सेकंड का क्रेडिट है तो उसको पूरा 10 सेकंड का हम कर देते हैं। यहाँ पे थोड़े से फ्रेम इसको कम कर देते हैं और इनिशियल को भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि देखते हैं किस तरह की लगती है। जनरेट, और अब देखते हैं कि हमारा वाटरफॉल को एनिमेशन में किस तरह कन्वर्ट करता है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे जो सेकंड्स थे वो बढ़ाए हैं, 10 सेकंड का हमने एनिमेशन बनाया है, इनिशियली जो था वो उसको हमने ऑफ कर दिया। इनिशियली कोई भी इमेज नहीं दिखाएगा, जस्ट एनिमेशन से वो स्टार्ट होगा। जैसे पहले हमने इमेज बनाई थी उसमें इनिशियल इमेज थी तो वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, अब देखते हैं कि डायरेक्ट एनिमेशन में वो किस तरह लगती है। तो यहाँ पे हमारी एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुकी है और इसको करते हैं हम प्ले, ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी प्ले हो गई है और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड भी हो गई है, एनिमेशन भी रेडी हो गई है। तो ये देखें, एक हमारा रनिंग वाटरफॉल था उसने इसको थोड़ा सा एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक इतना अच्छा सा ये खूबसूरत सा लग रहा है। तो इस तरह आप बहुत सारी इमेज को अपने आइडियाज से कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे एनिमेशन बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।